नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि डॉक्टर्स और सभी हेल्थ वर्कर्स को उनका वेतन समय पर दिया जाएगा। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी। केंद्र ने कहा कि उन्होंने राज्यों को निर्देश दिए हैं पर 4 राज्यों ने अभी तक उन पर काम नहीं किया है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपके पास शक्ति है, आप भी कदम उठा सकते हैं। वहीं कोर्ट ने उस याचिका पर भी संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि स्वास्थ्य कर्मियों को अगर क्वारंटीन किया जाता है तो वो दिन उनके छुट्टी में लगा दिए जाते हैं। भारत की टॉप रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जून की तिमाही की कमाई में 47% की गिरावट आई है। कोरोना वायरस के कारण तेल की मांग में भारी कमी आई है। पहली तिमाही में भी इसकी कमाई में 41% की गिरावट आई थी। देश के बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुनाफे में साल की पहली तिमाही में 81% का उछाल दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक SBI को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हिस्सेदारी की बिक्री और पुराने कर्जों में कमी से ये फायदा हुआ है। बैंक के शेयरों में 4.1% का उछाल भी दर्ज किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत होटल और साप्ताहिक बाजारों को अनलॉक 3 में संचालित करने की अनुमति दे दी गई थी। अधिकारियों का कहना है ये निर्णय दिल्ली में कोरोना के कारण बनी हुई नाजुक स्थिति के कारण लिया गया है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में लॉकडाउन के चलते शराब न मिलने की वजह से सैनिटाइजर का सेवन करने के बाद 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को इसकी सूचना दी। इनमें से 3 की मौत गुरुवार को हो गई थी जबकि 6 की मौत शुक्रवार को हुई है। आंध्र प्रदेश में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटों में एक बार फिर 10,000 से अधिक मामले आए हैं जिससे राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,40,000 के पार हो गया है और कुल 1,349 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 75,000 से अधिक हैं। तमिलनाडु में बीते 24 घंटों में करीब 6,000 नए मामले आए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,45,000 के पार पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या करीब 4,000 हो गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 1,195 नए मामले आए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 1,206 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 1,35,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों की संख्या करीब 4,000 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 11,000 से कम है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,453 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जिससे प्रदेश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 34,968 हो गई है। इसके अलावा पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज लोगों की संख्या 48,000 से अधिक है। अब तक 1,630 संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है। हांगकांग में कोरोना संकट को देखते हुए आगामी चुनाव को 1 साल तक के लिए टाल दिया गया है। हांगकांग की नेता कैरी लैम ने कहा कि हम स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं चुनाव एक खुले और निष्पक्ष तरीके से हो। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,73,00,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 6,73,000 से ज्यादा हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या अब 44,94,000 से अधिक हो गई है जबकि यहाँ अब तक 1,52,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा अब 26,00,000 से अधिक हो गया है और यहाँ अब तक 91,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।